अरबपति कारोबारी और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री अब नहीं रहे। सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। साइरस मिस्त्री के असमय निधन से पूरे बिजनेस वर्ल्ड में शोक की लहर है। उपराष्ट्रपति और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया है। साइरस मिस्त्री का नाम पहली बार देश के आम आदमी ने उस वक्त सुना जब उन्हें साल 2012 में टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। भारतीय मूल के चर्चित खरबपति पलूनजी शाहपुरजी मिस्त्री के बेटे साइरस मिस्त्री ने बेहद कम वक्त में बिजनेस की दुनिया में ऊंची छलांग लगाई थी। साइरस भारतीय उद्योग जगत के एक चमकते सितारा थे और यही वजह है कि एक्सीडेंट में हुए असमय हुए उनके निधन ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। मिस्त्री इनके कार का जो अपघात है वो हुआ है और उसी घटना स्थल पर मैं हूँ। आप देख सकते हैं यही मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग है। आप देखेंगे तो चारोटी का उड्डान पुल है, उधर से गाड़ियाँ जो आती है वो बहुत स्पीड से आती है। आप अभी भी देख सकते हैं सब गाड़ियाँ उधर से उतार के बाद स्पीड से आ रहे हैं और आप देखेंगे तो यही जो अपघात हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये कार के जो निशान है टायर के वो दिख रहे हैं, ये निशान आप देख रहे हैं इधर ही वो ये जो अपघात हुआ है वो हुआ है। आप देख सकते हैं ये ब्रिज का कठड़ा है, इसको ठोक के ये कार का जो भीषण अपघात हुआ है वो हुआ है और आप देखेंगे कि कितने निशान इधर पाए जा रहे हैं। इसमें जो कार के स्पेयर पार्ट है वो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट भी दिख रहे हैं। ये कार बहुत जोर से धड़के है इस कठड़े को और इसके बाद ये कार में के दो जन की जो मौत है वो हुई है और दो जन घायल रूप से घायल है, उनको गुजरात में शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये सूर्या नदी है, सूर्या नदी का ब्रिज है, यही कठड़े को ठोक के यह अपघात है वो हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक साइरस मिस्त्री जिस मर्सिडीज कार में सवार थे उसे एक महिला चला रही थी। हादसा करीब 3 बजे उस वक्त हुआ जब पालघर के पास कार डिवाइडर से टकराई। इस एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनशा पंडोल नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अनायता पंडोले नाम की महिला और दरियस पंडोले पूरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें वापी के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कहेंगे कैसा हादसा हुआ है? एक आगे गाड़ी था और रॉन्ग साइड में ये कर रहा था, ओवरटेक कर रहा था तो डिवा वाटर को आके ठोक दिया उस गाड़ी को। कौन गाड़ी चला रहा था और गाड़ी कैसी आई? चला रहा था। कौन गाड़ी चला रहा था? रेडिस। और कैसी गाड़ी आई आपने देखा होगा? रॉन्ग साइड में आई गाड़ी, रॉन्ग साइड में। हाँ, ओवरटेक करते। और इसके ठोकने के बाद कोई मदद के लिए आया था? तो आदमी नहीं थे, दो आदमी हम थे। बाद में 5-10 मिनट के बाद आदमी आए, बाद में निकाले। और क्या देखा आपने? या मतलब लगा तो दो आदमी खलास हो गए और आदमी दो आदमी को निकाला, बाद में एम्बुलेंस में लेके गए। क्या कारण सामने? अभी प्राइमा पेशी तो जजमेंट नहीं आया ड्राइवर को, यही दिख रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है। सर गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी एक महिला चला रही थी, वो जख्मी है, उनको ज़्यादा इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ। जिनकी डेथ हुई है वो किधर बैठे थे कार में, आगे पीछे? अभी जो जख्मी है, जो इंजर्ड पर्सन है, उनको इंक्वायरी करने के बाद ही आगे बात सामने आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पे उसका लोकेशन क्या था। साइरस मिस्त्री साल 1994 में अपने पिता के पलूनजी शाहपुरजी ग्रुप में निदेशक बने थे। अपने पिता की तरह ही साइरस मिस्त्री ने भी भारत में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें सबसे ऊंचे रिहायशी टार, सबसे लंबे रेल पुल और सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण शामिल है। दरअसल पलूनजी मिस्त्री ग्रुप का कारोबार कपड़े से लेकर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस ऑटोमेशन तक फैला हुआ है। पिछले 20 सालों में शाहपुरजी पलूनजी ग्रुप का कारोबार करीब 50 देशों में फैल चुका है। साइरस मिस्त्री की लीडरशिप में कंपनी ने मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों में विकास के काम किए हैं। साइरस के पिता पलूनजी मिस्त्री टाटा समूह के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और साल 2006 में जब वो टाटा समूह के बोर्ड से रिटायर हुए तो उनकी जगह 38 साल के साइरस मिस्त्री ने ली थी। साइरस को शाहपुरजी पलूनजी ग्रुप के अलावा टाटा समूह की भी कई कंपनियों का निदेशक चुना गया। नवंबर 2011 में साइरस टाटा समूह के उपाध्यक्ष बने और रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था।
साइरस मिस्त्री देश के जाने माने उद्योगपति हैं, मुंबई के वालकेश्वर से उनका पुराना नाता है, उनका परिवार मुंबई में ही पहले से ही बसा हुआ है। मुंबई के वालकेश्वर इलाके में ये जो आप बंगलो देख रहे हैं ये मिस्त्री परिवार का बंगलो है, उनका पुश्तैनी घर है। उनके पिताजी जो कि देश के जाने माने बिजनेसमैन रहे हैं पालूनजी मिस्त्री, वो भी यहीं पर रहा करते थे। और 4 जुलाई 1968 को जन्मे साइरस मिस्त्री का भी बचपन मुंबई में ही बीता, मुंबई में रहकर उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए हुए थे। साइरस मिस्त्री देश के जाने माने उद्योगपति हैं, बहुत कम उम्र में वो अपनी कंपनी स्थापित करने वाले लोगों में शामिल थे, साथ ही साथ टाटा ग्रुप से वो जुड़े रहे। लगभग 4 से 5 साल तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।